हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर बसा सिक्किम, हरे भरे खेतों की मखमली चादर ओढ़े शांत झीलों और कलकल बहती पहाड़ी धाराओं से सुशोभित है। यहां के मेहनतकश लोगों की जिंदा दिली और भाईचारा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। सिक्किम की खूबसूरत राजधानी है गैंगटॉक, यानी ऊंचा पर्वत, जो इस राज्य की अपूर्व सुंदरता और खुशनुमा माहौल का एक आईना है। सैलानी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं और कुदरत के इस अनछुए सौंदर्य में सराबोर हो जाते हैं, जिसे इको फ्रेंडली तरीकों से पेड़ लगाकर संरक्षण दिया गया है। जैविक खेती ने इस पहाड़ी राज्य का चेहरा ही बदल दिया है। सिक्किम की नौजवान पीढ़ी ने खुले दिल से जैविक खेती को अपनाकर इसे एक नई सोच का दर्जा दिया है। राज्य की कायापलट करने वाली जैविक खेती की ये सोच सिक्किम के दूरदर्शी, समर्पित और कर्मठ मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने की थी। सन 2003 में मुख्यमंत्री चामलिंग ने विधानसभा में खेती के प्राकृतिक तरीके अपनाकर सिक्किम को पूरी तरह जैविक बनाने की घोषणा की थी। उनके इस सपने और दूरदर्शिता ने सिक्किम को प्रगति की राह पर ला खड़ा किया है। और आज गैंगटॉक की गिनती देश की सबसे साफ सुथरे, सुव्यवस्थित और शानदार शहरों में होती है। यह वाकई सिक्किम का सौभाग्य है कि पिछले 22 वर्षों से इस राज्य की बागडोर पवन चामलिंग ने संभाल रखी है। आज सृष्टि के लिए सबसे खतरा केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के अत्याधिक प्रयोग से हो चुका है। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो एक दिन सारी दुनिया को महात्रासदी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने सिक्किम में जैविक खेती की अवधारणा को अमली जामा पहनाने की कसरत कर दी। बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम, मुश्किल मौसमी हालात वाला एक दूरदराज बीहड़ पहाड़ी इलाका, जिसमें खेती लायक जमीन दूर दूर बिखरे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी थी। ये था सिक्किम का वो कैनवस जिस पर मुख्यमंत्री चामलिंग ने जैविक खेती की मदद से सफलता के रंग भरे। उनके रास्ते में कई चुनौतियां और रुकावटें आईं। सिक्किम की मिट्टी में उन रासायनिक फर्टिलाइजर्स का जहर धीरे धीरे घुल रहा था, जिन्हें सरकार सब्सिडाइज्ड कीमत पर बेच रही थी। मुख्यमंत्री चामलिंग ने इस महत्वाकांक्षी सफर की शुरुआत किसानों और कृषि अधिकारियों को जैविक खेती के फायदे समझाने से की, और वो कथनी और करनी में फर्क नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स पर सरकारी सब्सिडी में कटौती की, ये जानते हुए कि ये राजनैतिक दृष्टि से एक जोखिम भरा फैसला था। तब सबसे पहले राजनीति के नाम में गैर जिम्मेवार लोगों ने अंधाधुंध अनैतिक विरोध किया और लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश की और उनका आज तक अनैतिक विरोध जारी है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सत्य तथ्य को समझा और सभी ने आज समर्थन कर रहे हैं और सभी से आशीर्वाद और शाबाशी मिल रही हैं। सभी सरकारी महकमे काम में जुट गए। हर एक विधायक, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के मुखिया इस मुहिम से जुड़ गए। किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के महत्व के बारे में बताने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए गए। जैविक खेती के कारगर तरीके सिखाने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद से कई कार्यशालाएं आयोजित की गई। सिक्किम के ठंडे मौसम का लाभ उठाकर यहाँ व्यावसायिक स्तर पर फ्लोरिकल्चर, यानी फूल उत्पादन की शुरुआत की गई।
फूलों की खेती में भी जैविक तरीका अपनाया गया। जरबेरा, लिलियम, कार्नेशन, गुलाब और सिम्बेडियम ऑर्किड की खुशबू से पूरा सिक्किम महक उठा। भारत में उगाई जाने वाली ऑर्किड की कुल 1229 प्रजातियों में से लगभग 520 प्रजातियां सिर्फ सिक्किम में ही पाई जाती हैं। फूल उगाने की जैविक तकनीकों को अपनाने का लाभ सिक्किम के किसानों को भी हुआ। इससे फूलों की उम्र और क्वालिटी में तो बढ़ोतरी हुई ही, साथ ही उन पर एक अलग ही चमक भी दिखाई देने लगी। जाहिर है सिक्किम के लोगों के मुस्कुराते चेहरों पर इन फूलों की रंगत झलकती है। राज्य में मौसम की विविधता के कारण यहां कई फसलों की खेती मुमकिन है, जैसे मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, मोटी बार्ली, सोयाबीन, सरसों, अदरक, इलायची, हल्दी, चेरी मिर्च, संतरा, केला और कीवी। सिक्किम में चावल की 60 किस्में और औषधीय जड़ी बूटियों की सैकड़ों प्रजातियां उगाई जाती हैं। जैविक खेती के तरीके अपनाने के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी था। जैविक कृषि अभियान की शुरुआत पहले 100 गांवों से की गई, जिन्हें बायो विलेजेस यानी जैविक गांवों का दर्जा दिया गया। जैविक एकीकृत खेती के साथ साथ गोबर, दूध और हल जोतने के लिए कुछ पशु भी पाले गए। किसानों को ग्रामीण स्तर पर EM सॉल्यूशन के इस्तेमाल से खाद, कृमि खाद, EM खाद और पौधों से खाद बनाने और जैव गति की और बोकाशी की जानकारी दी गई। उन्हें अजोला की खेती और धान के खेतों में हरी शैवाल उगाने और उसकी पैदावार बढ़ाने के तरीके भी सिखाए गए। इन पहले 100 बायो गांवों की सफलता से प्रेरित होकर और कई किसान जैविक खेती करने लगे। 15 अगस्त सन 2010 को शुरू हुए सिक्किम जैविक अभियान से जैविक आंदोलन में और तेजी आई। इसके तहत पूरे सिक्किम राज्य में हरेक चरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करके जैविक खेती की तकनीकों के लिए जरूरी प्रमाणीकरण तय कर दिया गया। सिक्किम जैविक अभियान के तहत सरकार की ओर से बीज और खाद उपलब्ध कराए गए। किसानों को राज्य के बाहर भेजकर प्रशिक्षण दिया गया और हर वो बुनियादी ढांचा और सुविधा मुहैया कराई गई जिसकी मदद से किसान ये बड़े बदलाव ला सकें। इसके अलावा पूरे राज्य में रासायनिक कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विधान परिषद में एक विधान पारित किया गया। सिक्किम कृषि और बागवानी निवेश और पशु चारा नियामक अधिनियम 2014 पास करके खेती, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्रों में अजैविक पदार्थों के इस्तेमाल को निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का भी प्रावधान है। इन्हीं कोशिशों की वजह से आज सिक्किम में भारत के किसी भी राज्य के मुकाबले ज्यादा बेहतर, बड़ी और ताजा सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे ब्रोकली, गोभी, शिमला मिर्च, हरी लेट्यूस, लाल लेट्यूस, टमाटर, चाइनीज कैबेज, इंडियन कैबेज, कद्दू, शलगम, मूली, गाजर और कंद जैसे ताजा सब्जियों से भरा एक ऐसा टोकरा जो किसानों को बढ़िया पैदावार देने के साथ पहले से कहीं बेहतर कीमत दिलाता है। 2003 से अभी तक हम लोग दो तीन साल इतना गिर गया किसान लोग, ताकि हमारा पैदावार नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग केमिकल डाल रहे थे उस टाइम। जब वो केमिकल छोड़ के जब ऑर्गेनिक में आ गया, आने के टाइम में हमारा पैदावार जो पहला होता था वैसा नहीं होने शुरू हुआ। दो तीन साल के बाद में जब हमारा गाय का खाद, वर्मी कंपोस्ट का खाद, वर्मी केचुआ का खाद, ये जितना भी है हमारा जमीन में डालने से आस्ते आस्ते तब वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गया। उसके बाद में हमारा पैदावार आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते अभी केमिकल से ज्यादा हमारा पैदावार है। मुख्यमंत्री चामलिंग के इस सपने में और भी कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे हरियाली अभियान और 10 मिनट्स टू अर्थ,
जिनके तहत सभी नागरिकों को हजारों पौधे लगाने थे, उन्होंने जंगल में मवेशी चराने पर रोक लगाई और कृषि से निकली व्यर्थ सामग्री जैसे कि पत्ते, कागज और कचरा जलाने पर भी रोक लगा दी। इसका नतीजा ये निकला कि दो दशकों में वन्य इलाका बढ़ गया, यानी 1995-96 में जो 43.95% था वो बढ़कर 47.69% हो गया। सिक्किम में 13 वर्षों से चल रहा जैविक आंदोलन सही मायनों में तब फलीभूत हुआ जब 2015 में पूरे राज्य को जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के नियमानुसार जैविक सिद्धांतों और प्रथाओं को अमल में लाने के लिए इसे प्रमाणित जैविक भूमि घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर दिखाए गए एक विशाल समारोह में सिक्किम को भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया। सिक्किम एक उदाहरण है। उदाहरण इस अर्थ में है कि जब यहां पर 2003 में विचार रखा गया होगा जैविक खेती का, तो क्या विरोध नहीं हुआ होगा? क्या किसानों ने शिकायत नहीं की होगी? क्या जब किसान 10 किसान जैविक की तरफ गए होंगे और प्रारंभ में थोड़ा घाटा भी हुआ होगा, तब पड़ोस वाला भरपूर फर्टिलाइजर डाल करके उससे डबल पैदावार करके उसको दिखा देता होगा कि देख तू तो मर रहा है, मैं जी रहा हूं। हर किसान का मन डुल गया होगा। जिसने 3 में प्रयोग किया होगा उसने सोचा होगा यार अब अगली बार नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं उनको कहां खेती करनी है, खेती तो हमें करनी है। ऐसे कई निराशा के पल आए होंगे, कई आशंका के अवसर पैदा हुए होंगे। इस रास्ते को छोड़ करके फिर एक बार पुराने रास्ते पर लौटने की इच्छा भी हुई होगी, आर्थिक संकट भी झेलने पड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्किम के उन लाखों किसानों को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी राह छोड़ी नहीं, चाह छोड़ी नहीं। और जो राह नहीं छोड़ता, चाह नहीं छोड़ता, वो जीवन में कुछ पाकर के रहता है। और आज दुनिया पूरी सिक्किम के लिए तालियां बजाती होगी। इस मौके का जश्न मनाने के लिए 2016 के सिक्किम जैविक उत्सव में जैविक आंदोलन के नतीजों को प्रदर्शित किया गया। इस उत्सव में गैंगटॉक के रिज पार्क में फूलों की प्रदर्शनी और गैंगटॉक से 14 किलोमीटर दूर सरमसा गार्डन में कृषि उत्पादों का भव्य प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दोनों प्रदर्शनियां देखी और बहुत प्रभावित हुए। सिक्किम जैविक उत्सव के दौरान गैंगटॉक में स्थायी कृषि और किसान कल्याण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और व्यवसायियों ने हिस्सा लिया और भारतीय कृषि से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के हल ढूंढने के लिए इन विषयों पर बहस की। लेकिन इस अखिल भारतीय संगोष्ठी के लिए इस स्थान का चयन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो इसका चयन किया, इसके लिए हम सब आभारी हैं। क्योंकि यहां आने के बाद आपके ध्यान में होगा कर्नाटक गए थे तो राष्ट्रीय कृषि मंडी को देखा था। प्रधानमंत्री जी ने जो इस स्थान को नियत किया, निश्चित रूप से ये जो सिक्किम है ऑर्गेनिक के मामले में, इसकी मुख्य जो कृषि पद्धति है जैविक खेती के रूप में पूरे देश में अग्रगणी भूमिका इसकी रही है। और इस स्थान का चयन जो प्रधानमंत्री जी ने किया, इसके लिए भी हम सब लोग आभार व्यक्त करना चाहेंगे।
हम सब आपके आभारी हैं। सिक्किम के किसान बहुत खुश हैं, पैदावार दुगुनी हो गई है और जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। पर सिक्किम इन उपलब्धियों से संतुष्ट होकर थमा नहीं है। इस राज्य ने बड़ी मात्रा में उत्पादन, आवाजाही और आपूर्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नीति तैयार कर ली है। एक गांव के लिए एक फसल की योजना पर गौर किया जा रहा है। साथ ही बायो फर्टिलाइजर कारखाने और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के सही इस्तेमाल के तरीकों पर भी गौर किया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, उनमें से जैविक खेती से सृजित अवसरों को प्रयोग करना, हमारे शिक्षित युवाओं को जैविक खेती में संलग्न करना, और जैविक खेती एक फैशनेबल प्रोफेशन है, लुक्रेटिव प्रोफेशन है और ये कमाऊ पेशा है। इस सत्य तथ्य से युवाओं को सचेत करना और परिचित कराना ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज ये एक नए सफर का आरंभ करने जा रहा है, एक नई दिशा, एक नई राह, जैविक पर्यटन। सिक्किम का जिक्र आते ही दंत कथाओं, पहाड़ों और बादलों से ढकी चोटियों की तस्वीर उभर आती थी, पर अब इस तस्वीर में हर रंग भर रही है इको फ्रेंडली खेती, हरित सहायक योजनाएं, सिक्किम के जंगलों से छनकर बहती साफ ठंडी हवा, पहाड़ी झरनों का शीशे जैसा साफ पानी और भरपूर सेहतमंद खाना आपके स्वागत के लिए तत्पर और तैयार है।